गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज कमलजीत राणा। सुबह के 5:45 बज चुके हैं, नहीं 5:45 नहीं, 5:45 मैं उठा था और अब जो टाइम हुआ है वो है 6:04। 6:45 आई हैव टू बी एट द टेनिस कोर्ट, मेरी टेनिस क्लास है। वी जस्ट मेड माई सेल्फ अ कॉफी, कॉफी पीऊंगा, फ्रेशन अप होऊंगा एंड देन आई विल गो फॉर द टेनिस क्लास। आप लोगों ने हमारे पॉन्डिचेरी वाले ब्लॉग्स देख लिए होंगे, घूम फिर के आगे बड़ा मजा आया, बहुत अमेजिंग जगह थी पॉन्डिचेरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम द फर्स्ट वन टू रीच। पहले आके एक फायदा ही होता है कि आराम से वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ और फिर जैसे ही सर आते हैं तो अपन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। कोर्ट इज ओपन, खुला है कोर्ट। दिस इज आवर टेरिस कोर्ट। मॉर्निंग इज जस्ट अमेजिंग। जल्दी से थोड़ा सा वार्म अप कर लेता हूँ, स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। बेसिकली मैंने घर पे भी कर ली थी बट मैं स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करता हूँ कि मैं स्ट्रेचिंग करूँ, नहीं तो इंजरी, अवॉइड इंजरीज। ऑलराइट गाइस, टेनिस इज डन। बहुत मजा आया आज खेलने में। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि आज बहुत ही पोपट हो रहा है, मतलब नहीं खेला जा रहा, बिकॉज सर ने एकदम से ना सर्विस की स्पीड बढ़ा दी थी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ बट इन दी एंड वी मैनेज। अच्छा हुआ खेले। एक ये प्रॉब्लम होगी कि मेरे को इंजरी होते होते बजी है, मतलब मैं एक शॉट ले रहा था और मेरा पैर मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया। अभी आई कैन वॉक आराम से, मैं वॉक कर पा रहा हूँ बट जो दर्द का अगर है, अगर कोई चोट लगी या दर्द लगा तो वो थोड़ी देर बाद पता लगेगा, लाइक आधे पौने घंटे बाद जब मैं थोड़ा सा पैर को रेस्ट दे दूँगा ना तब। बट व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गो होम और मैं थोड़ा आइस अप्लाई करता हूँ पैर के ऊपर। प्लस मैंने नीरज को फ़ोन कर दिया था नाश्ता बनाने के लिए बिकॉज आई एम वे टू फैमिश्ड। चलो जी, अपना नाश्ता भी रेडी हो गया है, वी हैव ऑमलेट एंड ब्रेड, अपना प्रोटीन शेक भी रेडी है और अपनी आइसिंग भी चल रही है साथ साथ, और मेरा गुलगुलाटी उठ गया है। गुड मॉर्निंग कोको। गुड मॉर्निंग। मैं टेनिस खेल के आया, पता है पैर मुड़वा लिया। ज्यादा नहीं आई मोच, शुक्र है। तुम्हें पता है ना तुम्हें। और आज yes. कैसे जाओगे, आज वाले काम के लिए? सब काम के लिए चला जाऊंगा मैं, इतना मेरे को पेन वेन नहीं हो रहा है, आइसिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बेटर फील हो जाएगा थोड़ी देर में बस। अभी गर्म है चोट, इसलिए तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, पता चले। थोड़ा रेस्ट दे के देखते हैं फिर क्या फील होता है। चलो उठो। Wish to fetch. Fetch your new toy. Give. 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 On camera beastie karane wali. Give. That's her new toy by the way and she's very happy with her new toy. Mishtu, dikha de audience ko, dikha do beta tera kya hai khilona. Likh kar aao jaldi, likh kar aao. So this is Mishtu's new toy. And Mishtu loves to play with it. बेटा अभी बेड वेड झड़ना है मिष्टू, बेड वेड झड़ेगा बेटा, चलो बाहर चलते हैं। चलो जी, नहा धो के एकदम मैं फ्रेश रेडी हूँ निकलने के लिए अपने पहले काम के लिए। मेरा पूरा आपको फेस थोड़ा सा ना चमकीला लग रहा होगा बिकॉज मैंने सनस्क्रीन लगाई हुई है। इन एंड अराउंड बॉम्बे पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बेहद गर्मी, एंड आई थिंक पिछले 2 दिन तो हीट वेव भी डिक्लेयर की गई थी बॉम्बे के अंदर। सो येस, इट्स जस्ट गेटिंग टू हॉट दीज डेज। तब मैं निकल गया हूँ पहले, सबसे पहले PUC कराने के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को आज जो काम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट। आज मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे वीज़ा अपॉइंटमेंट कहाँ जा रहे हो, ये वो, अगर सोच रहे हो तो बता देता हूँ, नहीं सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ। सो बेसिकली जो प्रोजेक्ट मेरा अभी चल रहा है जिसके शूट के लिए मैं भी 1 महीना पूरा दिल्ली और पंजाब भी शेड्यूल खत्म करके आया था ना, तो उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक पोर्शन ऑफ दैट प्रोजेक्ट विल बी शॉट इन स्कॉटलैंड और लंदन। उसी के लिए वीज़ा की अपॉइंटमेंट है आज इवनिंग में, और वीज़ा अपॉइंटमेंट जो होती है वो बेसिकली दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टाइमिंग्स, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टफ। तो मेरी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, वो प्रोडक्शन हाउस ने ही ली है। आई जस्ट हैव टू गो देयर विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि अब आज अगर मैं वीज़ा अपॉइंटमेंट में अपना जो है पासपोर्ट दूंगा तो आई थिंक मैक्सिमम 7 दिन तो लगते हैं शायद। ये पहली बार होगा कि जहाँ मुझे अपना पासपोर्ट दे के आना पड़ेगा, बिकॉज यूजुअली जैसे दूसरी कंट्रीज़ का जो वीज़ा होता है वो लग के आ जाता है आपके लिए, ऑनलाइन लग के आ जाता है, एंड देन व्हेन यू गो टू द इमिग्रेशन सेक्शन एट द एयरपोर्ट वहाँ पे वो स्टैंप लगा देते हैं, बट आई थिंक इसमें स्टैंप लग के आती है।
आई एम नॉट श्योर, आई विल कीप यू पोस्टेड। अपन पहुंच गए हैं बस। हाँ डीजल है अभी कर रहे हैं ना भैया, सारी डिटेल्स आ जाती हैं आपके पास। नहीं जैसे कल परसों पुलिस वाले ने पकड़ा तो वो तो गाड़ी दूर से आ रही थी, उसने गाड़ी का नंबर डाला, सारी डिटेल आगे कह रहा सर पीयूसी एक्सपायर्ड है आपका। हाँ सर मालूम पड़ता है, इंश्योरेंस पीयूसी, हाँ फाइन सब मालूम पड़ता है। तो हमको नहीं पता लगता यूजर को, जैसे हमें भी तो होना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए ना। एम परिवहन ऐप है, एम परिवहन तो मालूम पड़ता है। कौन सी ऐप बोली आपने? एम परिवहन। एम परिवहन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। अच्छा तो इसमें हर चीज आती है, आरटीओ की ऐप है जो। हो गया मैं आ गया हूँ स्टेशनरी की शॉप प्रिंटआउट निकालने के लिए, जो शाम की अपॉइंटमेंट है उसके लिए। भैया मैंने आपको मेल कर दिया, एक बार मेल खोल के चेक कर लो। यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन, इस फॉर्म की कॉपी मुझे निकालनी है। ये मेरी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है, ये एप्लीकेशन लेके मुझे जाना है आज यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ओके आई एम रेडी नाउ, आई जस्ट टुक अ पावर नैप ऑफ 90 मिनट्स या 60 मिनट्स एंड मैंने अभी रास्ता चेक किया तो एक घंटे का रास्ता दिखा रहा है और अभी टाइम हुआ है सिर्फ 2:45। तो अगर मैं अभी निकलूंगा तो मैं बहुत जल्दी जाके बैठ जाऊंगा वहाँ पे, जिसका कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज वो लोग अंदर नहीं घुसने देते हैं। जिस टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट है उसी टाइम पे वो मेन गेट से अंदर घुसने देते हैं, ऐसा मुझे लास्ट टाइम किसी ने बताया था। फुल ऑन आपका भाई फॉर्मल्स में रेडी हो गया है वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। इधर से जरा भीग जाएगा सर, कितना हो गया? 60 हो गया। हाँ मेरे को वो दिखा दो स्कैनर। बस नारियल पानी पी रहा है, गर्मी का तोड़। चेक भी आ गया होगा। लगाएगा आपका भाई चश्मा और हम निकलेंगे अब पासपोर्ट ऑफिस की ओर। अब अच्छा खासा रास्ता दिखा रहा है, अब सही टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा। सही टाइम इन द सेंस कि थोड़ा सा इस टाइम पे पहुंच जाऊंगा कि जो मैनेजेबल टाइम होगा, मेरे को बहुत ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत कम वेट भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा वेट और बहुत कम वेट, मतलब मुझे बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। रास्ता अभी भी खाली बता रहा है, पहले 55 मिनट्स बता रहा था, अब 1 घंटा 5 मिनट बता रहा है। द सेकंड चैलेंज फॉर अस इज टू फाइंड अ पार्किंग स्पॉट देयर। कॉपी। ओके गाइज, वीजा का काम हो गया है डन, काम इन द सेंस मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरी फाइल जो है प्रोसेसिंग के लिए चली गई है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। आप जाओ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, देन दे विल स्कैन एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ दे हैव नॉट बीन प्रीवियसली स्कैंड। मेरे केस में क्या होता, अपलोड तो कर दिए गए थे डॉक्यूमेंट्स बट शो नहीं करा था सिस्टम पे, सो आई हैड टू अगेन स्कैन द डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड। आई डिडंट डू इट, दे ओनली डिड इट। उसके बाद बायोमेट्रिक्स हुए, या दैट्स अबाउट इट। उसके बाद मेरा प्रोसेस हो गया एंड दे सेड कि 5 to 7 वर्किंग डेज में आई विल गेट टू नो वेदर माई वीजा इज अप्रूव्ड और नॉट। अगर अप्रूव होगा तो मुझे लेने आना पड़ेगा अपना पासपोर्ट, और अप्रूव नहीं होगा तो भी मुझे अपना पासपोर्ट लेने आना पड़ेगा क्योंकि पासपोर्ट सबमिट हो चुका है। या विल वेट फॉर 5-7 डेज, उसके बाद पासपोर्ट आ जाएगा एंड देन वी विल बी ट्रैवलिंग टू यूनाइटेड किंगडम। I would say we will be traveling around 29th of March until 19th of April. We would be there in the United of the Kingdom. I'm too excited. Why should I not be, man? It's going to be a good work trip. This is going to be my first project जिसके लिए मैं एक foreign country travel करूँगा। India में तो मैं काफी different states travel कर चुका हूँ, but this would be my first time if my visa is approved that I'll be traveling to a foreign country. अभी के लिए ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, हालत खराब होने वाली ट्रैफिक में एंड वी आर ऑन द वे होम। गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे। कल वहाँ से आने के बाद मैं इतना थक गया था क्योंकि मेरे को 2.5 घंटे लगे पहुँचने में, इतना ट्रैफिक था। मैं आके बस सो गया, मतलब खाना खाया और जल्दी से वी रिटायर्ड टू बेड। वी जस्ट वोकन अप, इट्स वेरी फ्रेश मॉर्निंग आज लकीली सुबह के 8 बजे और थोड़ा सा मौसम प्लेजेंट है, मतलब हल्की सी ठंडक, बहुत हल्की सी ठंडक आपको महसूस होगी क्योंकि सूरज अभी तक पूरी तरह से निकला नहीं है। इस मौसम को एंजॉय करते हैं, बाहर बैठते हैं बालकनी में, एक कप कॉफ़ी बनाता हूँ अपने लिए और अपनी बुक पढ़ता हूँ एंड देन वील कैरी ऑन विद द डे। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ वंडरफुल मॉर्निंग एंड आई विश दैट यू गाइज हैव वंडरफुल डे।
अटुका हुआ जी, डरना नहीं है, चलो वेरी गुड बॉय एटम। आई एम रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में है दो ब्राउन ब्रेड, दो चिकन सलामी एंड अंडा पोर्चे। पेल के खाएगा फिर जाके नहाएगा। वाओ लुक एट मी, क्या कर लिया मैंने अपने हाल। एक्चुअली मैं फ्रेशन अप हो गया हूँ, नहा चुका हूँ मैं, लेकिन मेरा आज मन था बालों में थोड़ा सा तेल लगाने का, तो मैंने तेल लगा लिया है, प्लस मैंने फेस पे थोड़ी सी क्रीम लगा ली है। घर पे ही हूँ ना मैं आज, ज़्यादा कहीं मुझे बाहर जाना नहीं है, सो आई थॉट थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग कर लेते हैं। बियर्ड पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया मैंने, मस्त हो गया है। तो शाम में जिम से जब मैं वापस आऊँगा तब मैं अपना जो ऑयल है इसको वॉश कर लूँगा। अभी के लिए फिलहाल अपन बैठते हैं, कुछ एक मोनोलॉग मुझे तैयार करना है, मैं उसकी तैयारी करता हूँ। एक हमारे यानी नई चीज़ शुरू हो गई है, गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर शुरू हो जाती है कि ना हर रोज़ एक घंटे का पावर कट होने लग गया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग जिस एरिया में रहते हैं क्या वहाँ भी गर्मियों के सीज़न में स्पेसिफिकली पावर कट होता है कि नहीं होता है। मिष्टू खाना खाया जी? मिष्टू ने भी अपना खाना खा लिया। शोशो कर रही हो मेरे बब्बू, शोशो कर रहा है मेरा बच्चा। अतरा खाना खाया जी? खाना खाया जी मेरा बाबा ने? मेरा बाबा ने खाना खाया जी। हेलो गाइस, मैं तुम आ रहे हो अब या नहीं आ रहे हो भाई? मैं तो तुम शुरू करो हमारे। हेलो गाइस, आई एम बैक। टुडे आई एम रीता। रीता गोंसाल्विस। रीता गोंसाल्विस। इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू वॉच माय पॉन्डिचेरी व्लॉग। व्लॉग वेयर द गोंसाल्विस आर देयर। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2। देख रहे हो? ओह गॉड, शी इज सच एन अटेंशन सीकर। शी इज पीपी गोंसाल्विस। तुम मेरे कान में पीपी क्यों कर रहे हो वो बताओ। एनीवेज, आई हैड जस्ट गॉन टू द जिम एंड आई एम बैक। मिस्टी एक तो इसको न्यू टॉय लाके दिया है, तो ये इतना एंजॉय कर रही है। पहले इससे डर रही थी और अब एंजॉय करने लग गई है। मिस्टू देख लिया तेरा सबने टॉय, क्या है ये? मुर्गा है क्या है? कमू क्या है ये? दिखाइए जरा क्या है। आई थिंक इट्स अ काऊ। हां आई थिंक इट्स अ काऊ। ये शक्ल कितनी मिल रही है मिष्टी से? कमो आंखें मिल रही है। ओह गॉड, बिल्कुल शक्ल मिल रही है मिष्टी, और नाक एटम से मिल रही है एक्चुअली। मेरा बाबा, मेरा बाबा। ऑलराइट गाइस, सो वी आर डन विद लंच। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को जाएंगे। नहीं जाएंगे नहीं, मैं जाऊंगा सिर्फ वर्कआउट करने, क्योंकि ज्योति का वर्कआउट हो गया है डन। ज्योति, वुड यू लाइक टू कम टू द जिम फॉर द सेकंड टाइम? आई डोंट माइंड। I like the attitude. Spartans hoti ja rahi ho tum. Hello people, I just went for workout. I went for workout like 1.5 hours back. और अब मैं आ चुका हूँ। मिष्टी को क्या हो गया, एकदम टेंशन में आ गई है। हाँ, पंखा बंद होता ना, मिष्टी को जैसे ही पंखा बंद होता है, नहीं, चलने से भी डरती है और एकदम बंद होने से भी डरती है। यस, सारी मूवमेंट जो है घर में सब कुछ ऑब्जर्व करती है। देखो शानी है, शानी देख, शानी। एंड दैट्स कोको। कोको भी 9 हुई करके एकदम अपना स्किन केयर करके एकदम बैठा हुआ है, मस्त अपना काम पे लगेला है। एंड मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। वर्कआउट डन, एवरीथिंग इज डन। उनको मेरी स्क्रीन दिखेगी तो वो सोचेंगे कोई काम वाम नहीं लगी है, तो म्यूजिक सुन रही है। नहीं वो तो तुम म्यूजिक चूज कर रही हो ना व्लॉग के लिए, व्लॉग के लिए एडिटिंग में। नो दे नो दैट यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सो ओके गाइस, इस व्लॉग के लिए इतना। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले व्लॉग में, तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। दिस इज कमल चित्रणा साइनिंग ऑफ। दैट्स ज्योतु, दैट्स मिष्टू, एटम गए वॉक के लिए। बाय गाइस।